हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी स्टेनो के जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था, 20 मार्च को आपका एग्जाम था, आप सभी रिजल्ट का वेट बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं और इसके टेस्ट की डेट क्या होगी कहीं ना कहीं इसका भी आप वेट कर रहे हैं कि पता चल जाए, जिससे अभी से ही प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर दें। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको स्किल की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, क्योंकि स्किल की प्रिपरेशन अगर आप नहीं करते हो और प्रीलिम्स में अगर आप पास हो गए तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि मुश्किल है फिर आपके लिए स्किल निकालना, क्योंकि हर सीट में आपका 10 बच्चा फाइट करेगा और आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल के ऊपर, कि आपकी स्किल कैसी है, किस तरीके से वहां पर आप टेस्ट देके आते हो। क्योंकि सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपका होता है स्किल। बाकी अदर अगर आप देखोगे यूडीसी और एमटीएस में वैकेंसी आपकी ज्यादा आती है, स्टेनो में कम आती है, लेकिन जिसको स्टेनो बहुत ही अच्छे तरीके से आती है वही फाइनली सिलेक्शन जो है वो आपका पाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका रिटर्न का आपका कब आएगा, तो रिटर्न का आपका रिजल्ट 10 से 12 अप्रैल के आसपास हर हाल में आपका आ जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट लगभग लगभग यूडीसी के इक्वल में ही आपका आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपका स्किल टेस्ट आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसका स्किल टेस्ट कंडक्ट हमेशा यूडीसी के जब आपका सीकेटी पेपर होता है कंप्यूटर स्किल टेस्ट का, उसी के डेट पे या उसी के आसपास ही आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास मोटे मोटे 1.5 महीने आपको मिलेंगे स्किल टेस्ट के लिए। अगर आपका रिजल्ट 10 से 12 अप्रैल के बीच आ सकता है तो मे बी आपका मई लास्ट तक आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया गया था वो आपका यूडीसी फेज 3 और स्टेनोग्राफर का साथ में ही था, जो कि आपका 4 अक्टूबर को कराया गया था, और रिजल्ट जो आपका आया था वो आपका 13 अगस्त को आपका ऑलरेडी आ चुका था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ओवरऑल 1.5 महीने के आपके पास टाइम मिलेगा। तो आप अभी कोशिश करिए कि दिन में कम से कम आप 1 से 2 बार डिक्टेशन लेने की कोशिश करिए। बाकी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, कोई प्रॉब्लम होती है डिक्टेशन में, तो आप मुझे बताइए, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए, वहां पर भी मैं डिक्टेशन की कुछ ना कुछ ऑडियो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो भी अपडेट स्टेनो के बारे में आती रहे, अलग से मैं प्रमोशन ट्रांसफर से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, साथ ही साथ आगे जो आपका प्रोसीजर रहेगा ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन का, वो सारी चीजों के ऊपर मैं बार बार वीडियो डालता रहता हूं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी फेज में ना हो। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, वहां मैं डायरेक्टली मैं आपको कन्वे कर सकता हूं कि किस तरीके से आपको आगे प्रिपेयर होना है। ओके।